इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं ललितपुर लाइव टीवी। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ललितपुर प्याज की फटाफट की प्रमुख खबरों पर। ये मामला ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के बस स्टैंड चौराहे का है, जहाँ एक दबंग द्वारा दबंगई दिखाते हुए महिला और उसके बच्चे के साथ बीच रोड पर सरेआम बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों की दबंगई के आगे इन दबंगों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आ रहा और बेलगाम और बेफिक्र होकर घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये दबंग एक तरफ तो उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के प्रति तमाम वादे एवं घोषणाएं कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों में देखिए कि आप किस तरह एक लाचार महिला और उसके बच्चे को बड़ी बेरहमी से दबंग लोग बीच सड़क पर लातों घूसों और डंडों से पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मामला ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के संज्ञान में आया, तो आरोपियों के खिलाफ ललितपुर जिले के थाना पाली में दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तो भाई, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार का आखिर क्या है कहना, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रेम जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। देखिए, ये कल लगभग 9 से 9:30 के बीच की घटना है, जिसमें एक वीडियो बना है, उसमें एक महिला को पीटा जा रहा दिखाई दे रहा है। मामला ये है कि दो व्यक्ति हैं, मंगल और राजपाल, ये दोनों टैक्सी चालक हैं। ये ललितपुर से पाली के बीच में जो टैक्सी है व्हीकल उसको चलाते थे। इनका विवाद ललितपुर में सवारी को बिठाने के लिए हुआ था। यहाँ पे फिर जब ये पाली पहुँचे, वहाँ पे इनके विवाद में ही अपने घर वाले भी ऐड हो गए। उसी में जो ये राजपाल यादव है, इसकी तरफ से कई लोग आए और महिला को उसमें पीटा गया है। तो उसकी तरफ से इनकी तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सभी जितने भी घायल हैं उनका मेडिकल कराया गया है। इसमें दो व्यक्ति अरेस्ट भी हो गए हैं और भी जो लोग नाम प्रकाश में जिनके आ रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में सड़क दुर्घटना में जीजा की मौत, साला गंभीर मृतक के पुत्र का आज था दस्तोन, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। ये मामला ललितपुर जिले के थाना पुरा कला क्षेत्र अंतर्गत का, जहाँ मध्य प्रदेश के ओरछा से शादी समारोह में शामिल होकर रात्रि में अपने घर लौट रहे जीजा साले को एक तेज रफ्तार अज्ञात बुलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे जीजा की मौत हो गई, तो वहीं साला गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार दोनों जीजा साले थाना पुरा कला अंतर्गत एवनी नाले के पास पहुंचे ही थे कि तभी सामने से तेज गति से आ रही बुलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची राहगीरों ने तत्काल 112 डायल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन घायलों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालगेट पहुंचे, जहां दूसरे युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। तो वही मृतक जीजा का नाम रवि पुत्र कल्लू वंशकार, उम्र 19 वर्ष, निवासी फिरौन थाना बार बताया गया है, जिसकी मौत हो गई है। जबकि दिलीप पुत्र खुशीलाल, उम्र 16 वर्ष, को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिली है कि मृतक का 8 दिन का एक पुत्र भी, जिसका आज दस्तोन भी था, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। ललितपुर जीआरपी थाने में तैनात उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित। ललितपुर जीआरपी थाने में तैनात उप निरीक्षक मोहित द्विवेदी को विभागीय जांच के दौरान उन्हें दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। ललितपुर अपर पुलिस अधीक्षक गिरिजेश कुमार ने किया जिले थाना मंडावरा पहुंचकर किया वहां का औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह को दिए दिशा निर्देश। ये मामला ललितपुर जिले के थाना तालबेट कोतवाली क्षेत्र के तेरही फाटक पुलिस चौकी अंतर्गत शहजाद बांध का है, जहां एक महिला ने बांध में आत्महत्या करने के उद्देश्य से बांध में छलांग लगा दी। दोताखोरों की मदद से महिला को सकुशल बचा लिया गया है और परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। महिला का नाम श्रीमती छाया पत्नी नीरज पुत्र रतिराम प्रजापति निवासी बढ़िया थाना बताया गया है। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.